नमस्कार दोस्तों, बेस मीडिया कंप्यूटर सेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जगत वर्मा, डायरेक्टर बेस मीडिया कंप्यूटर सेंटर। तो दोस्तों, कुछ मेरे ऐसे भाई हैं जिन्होंने कंप्यूटर सेंटर खोल रखे हैं। अब उनके क्वेश्चंस रहते हैं, या खोलना चाहते हैं या खोल रखे हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि सर, हम अपना कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो सर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएं, उसका किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा करके हम ओपनिंग करें, सर रजिस्ट्रेशन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और हमें रजिस्टर कराना चाहिए कंप्यूटर सेंटर को या नहीं कराना चाहिए। वो खोलने के लिए परफेक्ट होते हैं सारे, सफिशियंटली उनके पास अमाउंट पूरा होता है, पैसा होता है, सिस्टम लगाना चाहते हैं, सिस्टम के लिए सब मैनेजमेंट होता है, लेकिन उनके क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें दिक्कत रहती है, उनकी आशंका रहती है कि हम रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप कंप्यूटर सेंटर को चला सकते हैं, बहुत ही आसानी से, कोई भी ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, बिल्कुल कुछ ही पैसों में आपका फ्रेंचाइज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे कुछ बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं जो फुली रजिस्टर्स होते हैं, ISO सर्टिफाइड होते हैं, SRT सर्टिफाइड होते हैं, इस तरीके के कई सारे कंप्यूटर सेंटर होते हैं जिनको सारी अथॉरिटियाँ अवेलेबल होती हैं, वो सभी सेंटर्स अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको नया कंप्यूटर सेंटर खोलना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और आप टेंशन ना लें कि किसी भी प्रकार का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हमारे सेंटर पे कोई दिक्कत आ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन कंप्यूटर सेंटर, बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटरों के जिनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिनके ISO होते हैं, जिनके HRD रजिस्टर्ड होते हैं, और सभी प्रकार की इनको अथॉरिटियाँ होती हैं, वो सभी अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको अगर कंप्यूटर सेंटर ओपन करना है तो दोस्तों, आप लोग केवल और केवल उन सेंटरों से एक फ्रेंचाइजी लें। फ्रेंचाइजी समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, अगर होते भी हैं तो 1,000-2,000-4,000 रुपये का चार्जेस होता है, बहुत ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं होते, आराम से आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि आप आसानी से अपनी कंप्यूटर सेंटर को फ्रेंचाइजी के रूप में आप चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, आराम से पैसा अर्न कर सकते हैं। आपको कोई भी रजिस्टर कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फ्रेंचाइजी रजिस्टर कराइए, आपको मेंबरशिप मिल जाएगी उस कंप्यूटर सेंटर की, और उसके बाद आप अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाएंगे वो उस सेंटर के नाम से प्रोवाइड कराए जाएंगे जहाँ से आपने फ्रेंचाइजी को लिया है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जब तक आपका सेंटर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सेंटर को रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, ISO नहीं कराते, तो भी चला सकते हो आप सेंटर को, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन ही कराना है तभी आपका कंप्यूटर सेंटर चलेगा, ऐसा नहीं है। आप फ्रेंचाइजी लेकर के भी आप अपनी कंप्यूटर सेंटर को आराम से चला सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपकी जो डाउट थी कि हमें कंप्यूटर सेंटर खोलने से पहले क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कहाँ से कराना पड़ेगा, कैसे कराएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन मिलता है, कितना अमाउंट पेड करना पड़ता है, कितने एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से कंप्यूटर सेंटर को ओपन किया जा सकता है, कम से कम एक्सपेंस में फ्रेंचाइजी को लिया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों।